Hi guys, तो अभी मैं गोवा आया हूँ मेरे दोस्तों के साथ और अभी है मेरे पीछे कैलिंगट बीच और ये आप देख सकते हैं सब यहाँ पे मज़े मस्ती कर रहे हैं। की दुकान तो इधर कैसे मतलब मूली गाजर की तरह बिक रही है दादू हर दो मिनट में वाइन शॉप ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या बोलता है भाई? बढ़िया सही। वाइन वाइन पिया, दारू वारू पिया कुछ नहीं अभी तक का ही क्यों और पीछे से ऐसा दिखते है। और ये आप देख सकते हो नारियल का हर जगह चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं जो कि आपके होलसेल से भी भाव में कम गिरेंगे अगर आप अगर यहाँ से आप उठाते हो तो। ये ऐसा दिखता है हमारा छपोरा फोर्ट और मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो यहाँ पे कोई टिकट विकेट है नहीं, बस आपको मैप में डालना है। स्कूटी यहाँ पे मैंने लिया था 300 में, फसीनो लिया था 30 किलोमीटर की आई थिंक माइलेज देती है वो। और रूम हमने लिया था, नॉन सीजन चल रहा है, 1000 में रूम है। एंड ये हमारी थर्ड लोकेशन है, इसके बाद और दूसरे लोकेशन में मैं जाऊँगा तो मैं आपको फटाफट कट टू कट ट्रिप बताऊँगा। मैं इतना बातचीत नहीं करने वाला हूँ एंड आज के लिए इतना ही गाइस। थोड़े सिनेमैटिक शॉट अगर मैंने लिया तो मैं बता दूंगा। तो दिस इज द होल प्लेस ओवर हियर, ये है पूरा प्लेस, वहां पे देख सकते हो वहां से एंट्रेंस है। ये है पूरा का पूरा प्लेस यहाँ पे। सॉरी मैंने 30 FPS पे शूट किया था पहले एंड आई थिंक सो दिल चाहता कि लोकेशन यही है। दिस इज द लोकेशन। चर्च जाने का है, ओल्ड गोवा चर्च में हम लोग आए हैं अभी और मेरे साथ ये बंदा है, ये बंदा है और एक लड़की भी थी, ये लड़की है। अभी हम लोग आ रहे हैं ओल्ड गोवा चर्च में, तेरे व्यूज मिलते हैं। ले अभी ये देख, नीचे देख के चल जाएगा। ये है चर्च मेरे पीछे, सब ब्लॉग ये है मेरे चर्च पीछे और चर्च एकदम फ्री है, किसी को कोई पैसे देने नहीं है। मजाक कर रहा था। हाँ मंदिर फ्री में ही होता है, बराबर बात है। अभी हम हैं ओल्ड गोवा चर्च के अंदर और यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट और Yeah.